बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और नई पार्टी बनाने पर शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर कहा है कि मुलायम के कहने पर ही एक अलग पार्टी बनाई गई थी। तो मुलायम अगर अखिलेश के साथ है तो भी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। तो इससे पहले हालांकि एक बयान शिवपाल यादव का सामने आया था कि अगर अखिलेश यादव निमंत्रण दे तो उनकी पार्टी सपा के साथ मिल सकती है और एक बार फिर से साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और मुख्यमंत्री का जो चेहरा हो वो अखिलेश यादव हो। और उसके बाद से कयास लगातार शुरू हो गए थे कि जो मनमुटाव इतने सालों से सपा में चला आ रहा है, समाजवादी पार्टी में चला आ रहा है, वो कहीं ना कहीं खत्म होने की कगार पर है। लेकिन इस बीच जब एक बार फिर से शिवपाल यादव का बयान सामने आया है, निशाना अखिलेश यादव पर साधा गया है, तो उसके बाद फिर से ये जो गहमा गहमी है, जो मनमुटाव है, वो कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर से सामने आ रही है। और उनका कहना है कि अलग जो पार्टी बनाई थी वो मुलायम सिंह यादव के कहने पर ही बनाई थी। उनका कहना है कि अगर मुलायम अखिलेश के साथ है तो भी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। तो निशाना यहां पर अखिलेश यादव पर साधा गया है शिवपाल यादव के जरिए, यानी कि चाचा और भतीजे के बीच की जो तकरार है वो खत्म नहीं हुई है, वो दरारें अभी तक भरी नहीं है। और इस बीच ये बयान जहां पर शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है, जो कि पहले अखिलेश को मुख्यमंत्री के तौर पर यहां पर प्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन अब ये बयान कई मायनों में यहां पर अहम इसलिए चूंकि जो दरार कहीं ना कहीं भरने की कोशिश कर रही थी वो एक बार फिर से पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी से शिवपाल यादव ने जहां अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और इस निशाने के साथ क्या कुछ कहा है शिवपाल यादव ने, आइए आपको सुनाते हैं। एक टन होने की वजह से दोबारा सरकार नहीं बनी। अगर बिघटन हमारे परिवार में नहीं होता, अगर नेताजी की बात को माना गया होता तो सरकार बनती, फिर मुख्यमंत्री बनते। मुख्यमंत्री तो उन्हीं को बनना था जिन्होंने नेताजी की बात को नहीं माना है, और जिन जिन पर नेताजी ने भरोसा किया है उन्होंने धोखा दिया है। हम तो आज भी नेताजी के, और नेताजी के कहने से ही हमने अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाया है, उन्हीं के आदेश से। उनको मैंने पूछा और फिर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाने से पहले भी हमारे परिवार में जो कुछ है, कहिए कि उनकी वजह से उनके हुआ है ये। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मुकेश मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मुकेश, ये बयान ये सीधे यहाँ पर बतला रहा है कि जो पहले यहाँ पर शिवपाल यादव का बयान सामने आया था और कहा जा रहा था कि दोनों ही पार्टियां जो है अब एक हो सकती है, दरारें कम हो सकती हैं, वो फिलहाल ये बयान साफ कर रहा है कि दरारें अभी कम नहीं होंगी। जी, आपको बता दें कि शिवपाल यादव भले आए थे स्वर्गीय बद्रीनाथ की पुण्यतिथि में, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैं नेताजी का सम्मान करता हूं और जो भी पार्टी हमको सम्मान देगी उन्हीं पार्टी को मैं समर्थन दूंगा, जितनी छोटी बड़ी पार्टियां हैं सबको मिला के मैं एक चुनाव में अपनी पार्टी तैयार करूंगा। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद आपका मुकेश फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखनऊ का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप खेर यहाँ पर जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या माने कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ जल्द तो ठीक नहीं होने वाला? जी देखिए, बिल्कुल रितु जी, आपको बता दें जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव ने ये बयान दिया है, पहले जिस तरह से वो कह रहे थे कि जहां पे हमें सम्मान मिलेगा मैं उस पार्टी में जाने के लिए तैयार हूँ, हालांकि उस समय उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया था, लेकिन जिस तरह से कल उन्होंने ये कहा है कि अब हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, अब प्रगतिशील पार्टी जो है वो अपने आप से आगे बढ़ेगी, वहीं पे देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से पहले देखा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील पार्टी एक हो सकती है तो उसके कहीं से आसार नहीं लग रहे, क्योंकि जिस तरह से देखिए समाजवादी पार्टी में रोज नए नए बसपा विधायक हर एक पार्टी के जुड़ रहे हैं, लेकिन शिवपाल सिंह यादव का कहीं पे नाम नहीं है। हालांकि कल ही जिस तरह से आपने देखा था एक प्रेस वार्ता की गई थी और आज भी एक प्रेस वार्ता है, लेकिन उसमें कहीं पे भी प्रसपा के लोगों का या शिवपाल सिंह यादव का नाम अगर लेकर जोड़ने की बात करी जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हालांकि शिवपाल
सिंह यादव ने साफ तौर पे कहा है कि हमने जो भी पार्टी बनाई थी वो नेताजी के कहने पे बनाई थी और नेताजी भी खुद उनकी पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन इस तरह से प्रगतिशील पार्टी समाजवादी पार्टी में आने का अभी किसी भी तरह का आसार नहीं दिख रहा और ना ही समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरह की कोई पहल भी की जा रही है। बिल्कुल, लेकिन संदीप अभी जिस तरह से कई कार्यक्रम हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिस तरह से आपने जिक्र किया, मुलायम सिंह यादव भी कई कार्यक्रमों में शामिल हुए अखिलेश यादव के साथ, क्या वहां पर उस दौरान कहीं ना कहीं अपनी कमी खली शिवपाल यादव को और उसी का एहसास जिसके बाद ये बयान सामने आया है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, देखिए मुझे जहां तक, मैं भी वहां पे मौजूद रहा हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी में किसी भी तरह से शिवपाल सिंह यादव की कमी खलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हाँ बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि शिवपाल सिंह यादव को समाजवादी पार्टी की कमी खलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कई मौकों पर वो इमोशनल भी हुए हैं, भावुक भी हुए हैं कि जिनको मैंने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया आज मुझे वो एक फोन तक नहीं करते हैं। इसका इशारा किस और है, देखिए ये सभी पार्टियों को पता है, सभी लोगों को पता है, कहीं ना कहीं रुक रुक कर सामने आ रही है और इसी के चलते फिलहाल अखिलेश यादव पर शिवपाल यादव ने निशाना साधा है और कहा है कि मुलायम अगर अखिलेश के साथ है तो पीछे मुड़कर वो नहीं देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए।